राजनीति सोची है, समझी है और राजनीति में आई हूँ तब से समाजवादी पार्टी के साथ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बात करके सुबह 10:30-11 बजे के करीब कहा कि नॉमिनेशन वापस लेना ज़रूरी है, क्योंकि गठबंधन में सीटें जीतने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। मैं आज 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का मन्नत था टिकट लेने को लेकर के, वही दर्शन करने में लगी थी तो मुझे इतना टाइम हो गया। रिपु जी ने 3 दिन पहले ही आपका मतलब घोषित किया गया था, आखिर वजह क्या है ये, मतलब इससे पार्टी का? मुझे 15 तारीख की रात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला के सिंबल दिया था और बड़े ही विश्वास के साथ ये कहा था कि आप जाके नॉमिनेशन करिए, हो सकता है बड़ा दल है, बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, हो सकता है इस गठबंधन के कुछ प्रॉब्लम्स। लगातार आप तैयारी कर रही थी या क्या माना जाए, आपके साथ अन्याय 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 आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ माना जाए? दुखी मन से आज आपने अपना नामिनेशन वापस लिया है। आप भी समझ सकते हैं कि हमारी जगह आगे देखिए और फिर इसके बाद कुछ आगे आगे आपने क्या सोचा है? आगे हमारी पार्टी सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बने, इसी कोशिश करेंगे। तो आप ये माना जाए कि आप जो गठबंधन के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव उनके साथ खड़ी नजर आएंगी, उनके साथ प्रचार प्रसार में जुटेंगी? मैंने कहा माननीय देव पार्टी के प्रति हमारी वफादारी हमारी निष्ठा न होती तो मैं आज तक शायद यहाँ ना होती और आज ये मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी टिकट न देते, कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी टिकट वापस।